जीजा द्वारा अपने ममेरे भाई की मदद से साली से बलात्कार किए जाने का मामला नंदनवन पुलिस स्टेशन में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी और उसके ममेरे भाई को गिरफ्तार कर उन पर बलात्कार, हत्या का प्रयास और धमकाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नंदनवन इलाके में साली से जीजा सहित दो आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अरसलान अल्ताफ शेख और सरफराज उर्फ राजा खान बड़ा ताजबाग निवासी पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। हकीकत ऐसी है कि पीड़ित मुलगी ही हसनबाग मध्ये राहते। मे 2021 मध्ये तिच्या बहिणीचं लग्न अरसलान शेख ताजबाग याच्याशी जुळलं। त्यानंतर अरसलान शेख हा पीडितेच्या घरी आला आणि तुला काही काम आहे म्हणून गाडीवर बसून ताजबागमध्ये घेऊन गेला आणि तिच्यावर त्यांनी जबरदस्तीने जबरी संभोग केला। त्यानंतर तिला त्यांनी सांगितलं की तुझा माझ्याकडे व्हिडिओ आहे, या कारणाने त्यांनी वारंवार तिच्याशी शारीरिक संभोग केलेला आहे। त्यानंतर सदरची माहिती त्याचा भाचा, मामाचा मुलगा भाचा मुद्दा स्वरूप राजा याला माहीत पडली। त्यांनी पण त्या पीडित मुलगीला धमकी दिली की माझ्याकडे अरसलानने तुझा व्हिडिओ दिलेला आहे आणि या व्हिडिओच्या बाजून त्या मुलीला ब्लॅकमेल करून तिच्याशी वारंवार शारीरिक अनैसर्गिक संबंध केलेला आहे। त्यामुळे सदर मुलगी मुलीने कंटाळून काल रोजी आम्हाला तक्रार दिली, तिच्या तक्रारीची शहानिशा करून गुन्हा दाखल केला आणि यातील दोन्ही आरोपीला अटक करण्यात आली। आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद अरसलान से पीड़िता की बड़ी बहन से शादी का रिश्ता तय हुआ था। बहन के बारे में पूछताछ करने के बहाने आरोपी मोहम्मद अरसलान ने अपनी साली को घर बुलाकर उसकी बहन से शादी का रिश्ता तोड़ने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने इसका वीडियो भी बना लिया और इस वीडियो के दम पर उसे लगातार ब्लैकमेल कर 3 से 4 बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इस बात की जानकारी किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ नंदनवन पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपियों द्वारा लगातार ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने से पीड़िता परेशान हो उठी थी और आखिरकार उसने इसकी शिकायत नंदनवन पुलिस में कर दी। NBC न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अखिलेश भारद्वाज।